नमस्कार, आपका स्वागत है इंडिया पब्लिक खबर में और मैं हूँ अर्जिता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज में उत्तराखंड को 17,500 करोड़ के विकास परियोजनाओं की सौगात दी। हल्द्वानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला दौरा था। वहीं पीएम मोदी को देखने के लिए भारी संख्या में जनता पहुंची। मैदान लोगों से भर गया। एमबी इंटर कॉलेज के बाहर से ही लोगों की भीड़ प्रधानमंत्री का अभिवादन करने के लिए मौजूद रही। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हल्द्वानी में विकास के लिए 2000 करोड़ रुपए की योजना की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इन विकास परियोजनाओं से हल्द्वानी के लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी और बेहतर स्वास्थ्य मिलेगा। हम पानी, सीवेज, सड़क, पार्किंग और स्ट्रीट लाइट के लिए हल्द्वानी के समग्र बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 2000 करोड़ रुपए की योजना भी ला रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफवाहें फैलाने के लिए विपक्ष पर बिना नाम लिए निशाना साधा। हल्द्वानी शहर के ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, विकास के लिए हम लगभग 2000 करोड़ रुपए की योजना लेकर आ रहे हैं। अब हल्द्वानी में पानी, सीवरेज, सड़क, पार्किंग, स्ट्रीट लाइट सभी जगह पर अभूतपूर्व सुधार होगा। साथियों, इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए तेज गति से ऐसे ही विकास कार्यों पर, अनेक काम करने की जरूरत पर हमने जोर दिया है। उन्होंने कहा कि अब जब जनता उनकी सच्चाई जान गई है तो इन लोगों ने अफवाहों का एक नया धंधा शुरू कर दिया है। इसके बारे में निर्माण फैलाना और फिर इसके बारे में चिल्लाना, ये उत्तराखंड के बागी टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन के बारे में भी अफवाह फैला रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने और क्या कुछ कहा। जैसे आज जब जनता जनार्दन इन लोगों की सच्चाई जान चुकी है तो इन लोगों ने एक नई दुकान खोल रखी है। ये दुकान है अफवाह फैलाने की। अफवाह मैन्युफैक्चर करो, फिर अफवाह को प्रवाहित करो और उसी अफवाह को सच मान करके दिन रात चिल्लाते रहो। मुझे बताया गया है कि यहां टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन को लेकर ये उत्तराखंड विरोधी नए भ्रम फैला रहे हैं। साथियों, टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का फाइनल लोकेशन सर्वे इस प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा आधार है और इसलिए हो रहा है ताकि इस रेल लाइन पर जल्दी से जल्दी काम शुरू हो सके। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 17,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की 23 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। 23 परियोजनाओं में से 14,100 करोड़ रुपए की 17 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने बटन दबाकर इन परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया और कहा कि इन परियोजनाओं से उत्तराखंड का अभूतपूर्व विकास होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।